वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया के लिए कोरोना काल बनकर साबित हुआ है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अगर बात करें तो हिंदुस्तान में 3,43,000 है, जिसमें से 9,900 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ हिंदुस्तान चौथे पायदान पर पहुँच चुका है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 13,615 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से 399 की लगभग इलाज के दौरान मौत हो गई है और 8,200 से अधिक लोग अपने घर स्वस्थ होकर चले गए। इसी के साथ अगर मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 300 के पार हो गई है, जिसमें जो कोरोना से संक्रमित मरीज थे लगभग 280 से ज़्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और 15 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बावजूद इसके लगातार WHO ये वार्निंग दे रहा है कि कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइज बार बार हाथों को करते रहें। अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये दिखाने के लिए आपको कि किस तरीके से बैंक में जो ATM है उसमें किस तरीके का नज़ारा है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर एक कोरोना संक्रमित मरीज़ है तो वो 300 से ज़्यादा कोरोना को मरीजों को संक्रमित कर सकता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद की जो पीरीकोटी चौराहा है उसके ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हालांकि गेट बंद है यहाँ पर किस तरीके के इंतज़ाम है मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ कोई कस्टमर है या नहीं है। इस तरीके से अगर कोई कोरोना संक्रमित मरीज़ आता है और इस तरीके से वो छूता है तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि जी क्या नाम आपका? एक मिनट आगे आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित क्या है आप यहाँ पर? गार्ड। तो आप अपना बचाव कैसे कर रहे हैं? मास्क लगाकर और बिना किसी चीज़ को छुए। तो आपने देखा कि बैंक ऑफ बड़ौदा पीली कोठी है, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो इंतज़ाम है, हालांकि कोरोना संक्रमित से बचने के लिए यहाँ पर एक कस्टमर भी हैं जो अभी ATM में एंट्री की थी उन्होंने। मैं इनसे इनका नाम जानना चाहूँगा। मैम एक मिनट, क्या नाम आपका? दक्षिता पाठक। दक्षिता आप यहाँ पर ATM पर आए थे तो किस तरह से आपने देखा यहाँ, किस तरीके से इंतज़ाम? वैसे अगर कहा जाए तो यहाँ पे कोई भी इंतज़ाम नहीं है, ना सैनिटाइज़र है, ना क्या नाम है कोई और दूसरी सुविधा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सैनिटाइज़र्स वगैरह होने चाहिए, क्योंकि कोविड-19 का टाइम चल रहा है और मेरे क्या नाम है कोई भी अगर संक्रमित इंसान उस चीज़ को छूता है तो कोई दूसरा व्यक्ति भी उस चीज़ से पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर इंतज़ाम है, जहाँ से जो कस्टमर है वो एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद यहाँ हालांकि सैनिटाइज़र होना चाहिए था, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी। जिस तरह से बैंकों में अंदर जब जाएंगे तो ATM मशीन के पास कोई कोरोना संक्रमित अगर आता है और वो ATM को पुश करता है, एंट्री करता है, तो अगर वो कोरोना संक्रमित हुआ तो उसके साथ दूसरे व्यक्ति को भी कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा। एक कस्टमर और मेरे साथ है, इनसे बात करता हूँ। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम शिवम बनर्जी है। शिवम कहाँ आए थे आप? मैं ATM में भी आया था विड्रॉल करने मनी। लगभग आप मार्केट में जाते ज़्यादातर देखते होंगे, ATM की क्या कंडीशन है? ATM की काफ़ी सही कंडीशन नहीं है मैं कह सकते हैं, क्योंकि ना ही प्रॉपर सैनिटाइज़र है वहाँ पे और काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर किसी भी कोरोना पॉजिटिव अगर कोई गया, उसने प्रेस करा बटन को, उसके बाद अगर जो भी जाएगा नॉर्मल वाला भी, तो उसे भी हो सकता है कोरोना, इसके चांसेस हैं काफ़ी। क्या 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 करना चाहिए मुरादाबाद प्रशासन को, बैंक प्रशासन को क्या करना चाहिए? सारी सभी बैंक्स में प्रॉपर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल होना चाहिए और एक बॉटल रखी होनी चाहिए, जिससे जो भी जैसे अंदर जाए उसके पहले हाथ सैनिटाइज़ किया जाए अच्छी तरीके से। आप भी बैंक में आए थे क्या? सर मैं आई थी, बट अब मेरे को जैसे पता चला कि यहाँ पर सैनिटाइज़र नहीं है तो मैं किसी और ATM पे जाना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे में अपने ही मतलब पता होने के बाद भी जाना अपने ही मतलब अपने आप को डेंजर में डालने वाली बात है, तो अब मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, अब मैं दूसरे ATM पे जाऊँगी। किस तरह से इंतज़ाम होने चाहिए थे यहाँ पर ATM पर? वैसे तो हर ATM पे गार्ड्स होते हैं, बट गार्ड्स के साथ अब हमें बहुत ज़रूरी है अगर हम सैनिटाइज़र रखें, क्योंकि सैनिटाइज़र के बिना तो जाना मेरे हिसाब से तो हर कस्टमर को नहीं चाहिए अगर कोई सैनिटाइज़र की वो ना हो, क्योंकि अगर कोई भी जाएगा तो इससे वहाँ पर बैक्टीरियाज रह जाएंगे और कोई भी पॉजिटिव हो सकता है। शीता आपने पेमेंट कैश की है, किस तरीके से आपने जब आपने देखा कि अंदर इंतज़ाम नहीं है तो किस तरीके से आपने किया? क्या आपने भी बगैर कैश निकाले आ गए या क्या किया आपने? जी नहीं, मैंने कैश निकाला है, बट मैं अपना सैनिटाइज़र खुद कैरी करके रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि सैनिटाइज़र्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है या फिर कुछ, तो मैं यूजली अपना सैनिटाइज़र अपने साथ रखती हूँ। और जैसे कि क्या नाम है मेरे साथ साथ और किसी को भी ये सारी चीज़ें नहीं हो एज सच, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है और बहुत हाई लेवल पे स्प्रेड हो रही है, तो हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ देखनी ज़रूरी है मेरे हिसाब से।
ये थी दीक्षिता। हालांकि ये जागरूक हैं और सैनिटाइज़र लेकर चलती हैं घर से। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सैनिटाइज़र नहीं लेकर चलते और एटीएम आ जाते हैं। हमने मुरादाबाद में कई एटीएम को तलाश किया और जानने की ये कोशिश की कि एटीएम पर किस तरह के इंतज़ाम है। इंतज़ाम की साफ तस्वीर आपने पीली कोठी के बैंक ऑफ बड़ौदा में देखी है कि किस तरीके से यहाँ पर इंतज़ाम है। और कहीं ना कहीं ये बढ़ते संक्रमण को खतरा देने वाली बात है, क्योंकि बैंकों की साफ तौर पर लापरवाही हम इसे कह सकते हैं। लगातार प्रशासन, बुद्धिजीवी वर्ग और जो धर्मगुरु है वो अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस बनाएं, मास्क लगाकर चलें। जनता अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन प्रशासन को भी चाहिए कि इस तरह के कड़े इंतजाम करें ताकि संक्रमण का खतरा ना फैल सके। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से मुरादाबाद के एटीएमों में कोरोना संक्रमण को लेकर बचाव के इंतजाम है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए अमृत विचार।